और खबर अब राजधानी जयपुर से आपको बता दें, जहां फ्यूल उपभोक्ताओं को राहत की खबर आपको बता रहे हैं। फ्यूल उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर, पेट्रोल डीजल के दामों में आज भी यहां पर घटत हुई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में कल भी यहां पर घटत हुई थी, आज पेट्रोल है वो 17 पैसे सस्ता हुआ है और डीजल भी 38 पैसे सस्ता हुआ है। फ्यूल उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर आपको बता रहे हैं। पेट्रोल प्रति लीटर 88 रुपए 42 पैसे पर आ गया है और डीजल प्रति लीटर 81 रुपए 6 पैसे पर आया है। उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर फिलहाल आपको बता रहे हैं। जो ईंधन की उपभोक्ता है, पेट्रोल और डीजल, उनके लिए आज की सुबह भी एक राहत की खबर लेकर आए। जिस प्रकार से पिछले 1-1.5 महीने से लगातार जो जेब पर भार था वो बढ़ता ही जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि पेट्रोल क्रॉस कर देगा 90 का आंकड़ा और 90 के बाद 100 का भी कई लोगों का ये भी मानना था, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज पर विराम लग रहा है। 2 दिन से कल भी यहां पर घटत हुई थी और आज भी यहां पर घटत हुई है। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी बीके शर्मा फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बीके, आज की सुबह भी एक राहत की खबर उन उपभोक्ताओं के लिए लेकर आई जो कि पेट्रोल और डीजल में इन्वेस्ट करते हैं, आज भी पेट्रोल जो है 17 पैसे सस्ता हुआ है, कितना ज्यादा भार अब कम होगा धीरे धीरे करके उपभोक्ताओं की जेब से? जी हाँ जयती, ये उपभोक्ताओं के लिए इस कोरोना काल में बड़ी राहत मानी जा सकती है, क्योंकि अभी भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो नहीं चल रहा है या फिर लोग अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ होती है, ज्यादा लोग होते हैं बसों में ट्रेन में, तो उसकी बजाय जो निजी वाहन है उन पर ज्यादा लोग यात्रा कर रहे हैं, तो इसलिए निजी वाहनों की वजह से उनके जो घरेलू बजट है उसके ऊपर पेट्रोल का काफी खर्च है और इसके साथ ही उपभोक्ता वस्तुओं का जो ढुलाई होती है एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक जिले से दूसरे राज्य में जो माल आता जाता है उसमें डीजल की कॉस्ट होती है और अपनी जो भी उपभोक्ता वस्तु होती है उसकी कीमत में ढुलाई भाड़ा शामिल होता है। यदि कीमत बढ़ती है पेट्रोल डीजल की तो उसके साथ ही उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाती है, उनमें सब कुछ है, अनाज है, खाद्य तेल है, चीनी है, मिर्च मसाले है, इस तरह की चीजें और दूसरे सारे इलेक्ट्रॉनिक जो भी आइटम घर की जरूरत आम जीवन की जरूरत होती है उन सबकी कीमतों पर माल ढुलाई का करीब 20% तक का उसका भार होता है जी। और यदि ये कीमत बढ़ती है तो इसमें ये भार भी बढ़ जाता है। लेकिन और एक और बात बताऊं कि ये 7 जून के बाद लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी थी जी, और 1 सितंबर तक ये करीब करीब प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल दोनों में 12 से 13 रुपए बढ़े थे 4 महीने के दौरान जी। लेकिन अब 1 सितंबर के बाद से लगातार पेट्रोलियम कंपनियां धीरे धीरे ही सही लेकिन कम कर रही हैं। अब यही देखना होगा कि जो पहले जो 70-72 रुपए लीटर का एक लेवल था क्या उस लेवल पर वापस ये जा पाएंगे, क्योंकि इस पूरे 5-6 महीने के दौरान अगर क्रूड ऑयल की कीमतों पर नजर डालें तो वहां पर क्रूड ऑयल 39 डॉलर या 40 डॉलर प्रति बैरल पर थमा हुआ है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि पेट्रोलियम कंपनियों को अब कीमतें और भी कम करनी चाहिए, बिल्कुल आवश्यकता भी है अभी जी। जी भी क्या आवश्यकता भी है अभी फिलहाल, जो समय की मांग है वो यही कहती है कि यहाँ पर धीरे धीरे ही सही लेकिन पटरी पर जो अर्थव्यवस्था है वो आनी चाहिए और पेट्रोल डीजल के दामों से ज्यादा भार व्यक्ति के जेब पर नहीं पड़ता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।